अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजमेर शॉर्ट ट्रैक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डिजिटल सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज। इस वीडियो में हम इमेज के थ्री टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि है बाइनरी इमेज, ग्रे स्केल इमेज एंड फुल कलर इमेज। तो आइए शुरू करते हैं कि बाइनरी इमेज क्या होता है। तो बाइनरी इमेज इज़ नथिंग बट इट हैज़ टू वैल्यूज, आइदर इट्स पिक्सल इंटेंसिटी इज़ वन और ज़ीरो। यानी बाइनरी इमेज की दो वैल्यूज होती हैं, या तो वो ज़ीरो होता है या वन होता है। तो आए फुल डिटेल से समझते हैं। पहला इसका डिफिनीशन देखते हैं कि बाइनरी इमेज इज़ अ टाइप ऑफ इमेज विच हैज़ ओनली टू वैल्यूज, आइदर इट्स पिक्सल इंटेंसिटी इज़ वन और ज़ीरो। तो बाइनरी इमेज के दो वैल्यूज होते हैं, या तो वन होता है इसकी पिक्सल इंटेंसिटी या ज़ीरो। यानी जो वन होता है वो वाइट होता है, वन वाइट के लिए होता है और ज़ीरो ब्लैक के लिए होता है। तो आइए समझते हैं फुल डिटेल से। देखिए, ये हमारे पास 3x3 ओरिजिनल इमेज है, यानी रियल वर्ल्ड इमेज है, जिसकी पिक्सल इंटेंसिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह अब हम इसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक थ्रेशोल्ड सेट करना है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, यानी जो वीडियो थ्रेशोल्ड से कम हो वो ब्लैक होगा, और जो वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से हाई हो तो वो वन होगा, यानी वाइट होगा। तो देखिए, ये वन बिलो थ्रेशोल्ड है, तो इसके लिए हम ज़ीरो लिखेंगे। ये दो भी बिलो थ्रेशोल्ड है, तो हम फिर ज़ीरो लिखेंगे। तो अप टू फाइव थ्रेशोल्ड के बराबर हम लेते हैं, तो इधर हमने वन लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू वन है। 6 की वैल्यू भी 1 है, वाइट है, तो इसके लिए हम 1 लिखते हैं। 7 भी वाइट है तो 1। तो यानी जो इधर 1, 1, 1, 1 ये वैल्यूज है, तो इसका मतलब ये वाइट है। यानी 5, 6, 7, 8, 9 ये वाइट है, और 0, 0, 0, 0 ये इसका ब्लैक पार्ट है। तो यानी 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास क्या है, ये ब्लैक है। तो इसके बारे में थोड़ा और भी समझते हैं। इसमें हर एक पिक्सल के लिए एक ही बिट चाहिए होता है। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर वीडियोस नहीं देखी हैं, तो काइंडली हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट पे जाके उधर वो देखें। तो आपको, अगर आपको आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उधर से आप इसका जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप वो देखें, तो इंशाल्लाह आपका बेसिक क्लियर होगा। तो फिर इस वीडियो का और भी आपको सही तरह से समझ आएगी। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बाइनरी इमेज के अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। तो अभी चलते हैं ग्रे स्केल इमेज की तरफ, कि ग्रे स्केल इमेज क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रे स्केल इमेज क्या होता है। ग्रे स्केल इमेज बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, ग्रे स्केल इमेज बस ये इमेज का एक ऐसा टाइप है जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना से है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि द ग्रे स्केल इमेज इज़ द टाइप ऑफ इमेज इन विच द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज़ अ सिंगल सैम्पल रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ लाइट। यानी इमेज का हर एक पिक्सल क्या करता है, लाइट को यानी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक पिक्सल क्या करता है, लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रे स्केल इमेज वही होता है। तो फिर देखते हैं कि हर एक पिक्सल के लिए ग्रे स्केल इमेज में कितने बिट्स चाहिए होता है, वो 8 बिट चाहिए होता है। तो अब इस फार्मूले से इसको समझते हैं कि हर एक पिक्सल के लिए 8 बिट चाहिए। तो इस ग्रे स्केल इमेज के जो सारे के सारे पिक्सल है, इसके कम्बिनेशन से कितने पिक्सल बनते हैं, कितने बिट्स बनते हैं। तो देखिए, इसका फार्मूला है 2 की पावर k। तो जैसे कि ग्रे स्केल में 8 बिट रिक्वायर्ड होता है, तो हम 2 की पावर 8 लिखेंगे। तो इसका जो, तो इसमें सारे पिक्सल का जो कम्बिनेशन बनता है, उसके लिए 256 बिट चाहिए होता है। तो अब ये आसान में से समझते हैं, उम्मीद है आपको अब क्लियर हुआ होगा। देखिए,
जो ज़ीरो हमारे पास होता है वो ब्लैक के लिए होता है, और वाइट के लिए क्या होता है, 256। तो अभी आसान वे से इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रे स्केल इमेज क्या होता है। ग्रे स्केल इमेज इज नथिंग बट इट्स रिप्रेजेंटिंग द लाइट और इंटेंसिटी। यानी ग्रे स्केल इमेज क्या करता है, ये लाइट या इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस ग्राफ से समझते हैं, और साथ में ये भी बताया कि जो ज़ीरो होता है वो ब्लैक के लिए होता है, और 256 क्या होता है, ये हमारे पास फुल वाइट के लिए होता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इमेज है, टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन वाई और एक्स, ये टू डायमेंशन इमेज है। तो इसके अगर हम इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इधर 9 पे या 10 या इधर आप फर्ज करें अगर इसकी वैल्यू 70 पे लाई करता है, तो अगर आप इसकी वैल्यू लाइटनेस को कम करते हो और इस तरह आते हो, तो फॉर एग्जांपल 60 50 50, यहाँ तक ये वैल्यूज ना तो ब्लैक होगी ना वाइट, यानी एक ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करती होगी। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रे स्केल इमेज। तो अगर आप मज़ीद इस वीडियो को लाइटनिंग को कम करते हो और यहाँ ज़ीरो पे ले आते हो, तो ये प्योरली क्या हो जाएगा, ये प्योरली ब्लैक हो जाएगा। अगर आप यहाँ जो 70 पे हमारे जो पिक्चर है, एक्स वाई 2D पिक्चर है, इसकी वीडियो आप 70 से ऊपर बढ़ाते रहोगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाएगी। अगर आप इसको 256 तक ले आते हो, तो इसकी जो वैल्यू है ये मुकम्मल क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ये जो वाइटिंग एरिया है मुकम्मल क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ग्रे स्केल इमेज क्या होता है। अभी चलते हैं फुल कलर इमेज की तरफ, कि फुल कलर इमेज क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेज इज़ फुल कलर्ड इमेज। तो फुल कलर्ड इमेज क्या होता है, तो फ्रेंड फुल कलर्ड इमेज सिंपली हम यूँ समझते हैं कि फुल कलर्ड इमेज वो इमेज होता है जो कि प्राइमरी कलर यानी रेड ग्रीन ब्लू इनके मिक्सिंग से जो इमेज बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, फुल कलर्ड इमेज। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, इन दीज इमेजेस द पिक्सल्स हैव कलर्स दैट ऑब्टेंड फ्रॉम प्राइमरी कलर रेड ग्रीन ब्लू। यानी इन कलर रेड ग्रीन ब्लू यानी RGB जो प्राइमरी कलर है, इनकी कम्बिनेशन से जो इमेज बनता है, इसको क्या कहते हैं, फुल कलर्ड इमेज। तो इसके लिए 24 बिट्स रिक्वायर्ड होता है, सॉरी इधर मैंने मिस्टेक किए हैं, यानी 24 बिट्स ईच पिक्सल के लिए, हर एक नीड 24 बिट्स फॉर ईच पिक्सल्स ऑफ कलर इमेज। तो कलर इमेज के जो पिक्सल होते हैं, हर पिक्सल के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं, 24। तो अब इस फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी 24 बिट्स हर एक पिक्सल के लिए चाहिए होते हैं, यानी 2 की पावर के, तो 2 की पावर 24 से क्या हमारे पास आते हैं, कि यही वैल्यू आती है। तो ये कलर इमेज की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो कलर इमेज सिंपल सा है, बस उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मेरे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के प्लेलिस्ट पे जाके उधर आप देखें, तो उम्मीद है आपके बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो भी आपको फिर आसान से समझ में आएगी, तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।